हरि ओम दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं कृपाल लोधी। दोस्तों आज हम आपको लेकर के आए हैं मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें दोस्तों आज हम आपको बताएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों को किस प्रकार से सार्ट मेथड से हल किया जाता है। दोस्तों हम विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेंगी तो निश्चित रूप से इस प्रकार के आने वाले सभी प्रश्न आपसे अधिकतम 20 सेकंड में बन जाएंगे। तो बगैर देर के स्टूडेंट्स आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। हाँ दोस्तों, एक और आपसे अपील है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों हम इसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करते रहते हैं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस और शिक्षक भर्ती परीक्षा के वीडियोस होते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों बगैर देर के हुए आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों यहां हमें प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, जैसे यहां हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, कह रहे हैं यदि 2x + 3y = 13 वह 3x + 4y = 18 हो तो x और y के मान क्रमशः क्या होंगे, या y और x के मान क्रमशः क्या होंगे, ये भी पूछा जा सकता है, या अकेला x का या अकेला y का मान भी आपसे यहां से पूछा जा सकता है। कई बार दोस्तों यहां क्या होता है कि ये जो समीकरण होते हैं ये इस फॉर्मेट में नहीं होते हैं, मतलब किसी और प्रकार के हो सकते हैं, जैसे 2x + 3y = 13 और इसको लिख देते वो 3x = 18 - 4y इस टाइप के। तो पहले हमें इस फॉर्मेट में बना लेना होता है कि x के नीचे x आ जाए, y के नीचे y आ जाए, बराबर के नीचे बराबर और यहां कोई संख्या आ जाए, नहीं होता है तो शून्य रख सकते हैं। तो दोस्तों यहां तो हमें कोई समस्या है नहीं, ये ज्यों का त्यों बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को सार्ट मेथड से कैसे किया जाता है। दोस्तों इस सार्ट मेथड का नाम है R/α और α/α मेथड। तो यहां दोस्तों जो हम कह रहे हैं, सबसे पहले जब हम x का मान निकालेंगे तो ये मान निकाला जाता है R/α मेथड से, ठीक है। अब आप देखोगे कि R/α मेथड क्या है, तो इसको हल करने का तरीका क्या है इसको देख लेते हैं। जैसे दोस्तों तो दोस्तों हमेशा यहां पर जो x का मान होता है ये कैसा होता है, R/α। अब देखते हैं कि इसको R/α हमें कैसे लिखना है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि जब भी हम यहां पर x का मान निकाल रहे होंगे तो जो भी x के पद हैं इनको आपको ढक लेना है। ये x के पद आपको क्या करना है दोस्तों, x के पद आपको ढक लेना है, इनको आपको नहीं देखना, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर हमें करना है हमेशा ऊपर से प्रारंभ करना है, इस 3 का गुणा करेंगे हम 18 में, तो 3 × 18 और यहां हमेशा ऋण आता है, दिस इज रूल, ये नियम है, यहां हमेशा ऋण आता है, 3 का गुणा करेंगे 18 में और 13 ऋण लगा के 13 का गुणा करेंगे 4 में, यहां पर 13 का गुणा करेंगे 4 में। अब आप यहां देख सकते हो हम किस प्रकार से आर बना रहे। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जब भी हमें एक्स का मान निकालना है तो एक्स वाले पदों को हमें ढक लेना है, ठीक है। फिर यहां 3 × 18 में और ये ऋण हमेशा रहता ही है, आपको लगा लेना है, ऐसा आपको ध्यान रखना है, ठीक। और यहां 13 का गुणा करेंगे हम कितने में, 4 में। इसके बाद दोस्तों अब यहां पर हमने ये कहा था कि जो मेथड हम आपको बता रहे थे ये R/α, तो ये R यहां जब आप x के मान ढक लोगे तो R आपको इस प्रकार से यहां बनाना है। तो आई होप आप समझ गए होगे। और जब यहां नीचे क्या लिखा हुआ है, यहां नीचे लिखा हुआ है दोस्तों अल्फा, तो यहां से यदि आपने प्रारंभ किया था यहां फर्स्ट डाल दो, तो यहां से अभी आप इस तरफ चले थे, अब आपको जो अल्फा बनाना है वो भी यहीं बनाना है, ठीक है। तो जब हम यहां इस प्रकार से अल्फा बनाएंगे तो 3 का गुणा करेंगे 3 में, नीचे लिखेंगे 3 × 3 और फिर ऋण लगाएंगे हमेशा, और ये 2 × 4, तो यहां लिखेंगे 2 × 4, तो ये हमें मिलने वाला है 18 × 3 = 54 ऋण 13 × 4 = 52 / 3 * 9 ऋण 2 × 4 = 8, तो ये हमें मिलेगा 54 में से 52 घटे कितने बचे, 2/1 और 2/1 मतलब क्या जाएगा, 2। इसका मतलब दोस्तों क्या होगा कि x का मान कितना बन जाएगा यहां पर, 2, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। यदि दोनों मान आपसे पूछे जाते हैं x और y के तो आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हो इस समीकरण में मान को रखते हुए, पर जरूरी नहीं होता कि वो लगातार x और y के दोनों मान पूछे, तो आप ऑप्शन से कर सकते हो, लेकिन यदि दोनों नहीं दिए होते तब आपको ये मेथड सीखना ही पड़ती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि x का मान सार्ट मेथड से हम कैसे फाइंड करते हैं। अब दोस्तों इसी प्रकार से जब हम y का मान निकाल रहे होंगे तो यहां जो नीचे आया था 3 × 3 ऋण 2 × 4, ये ज्यों का त्यों जब हमने इसे हल किया था तो 9 ऋण 8 ये 1 आया था, तो यहां तो आपको क्या लिखना है, 1 ही लिखना है। लेकिन ध्यान रखना जब भी आप y का मान निकाल रहे होते हैं दोस्तों तो y का मान होता है α/α, क्या होता है, y का मान α/α,
ठीक है, और जब भी आप बाय का मान निकालें तो इस बाय वाले पद को ढक लें। इस प्रकार से बाय वाले पद को आपको क्या करना है, ढक लेना है। देखो x का मान निकाल रहे थे तो x वाले पद को ढका था, और y का मान निकाल रहे थे तो y वाले पद को आपको ढक लेना है। मतलब इसको हमें क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो जब हम इस y वाले पद को दोस्तों ढक रहे होंगे, और हमें बनाना क्या है, अल्फा बटे अल्फा, लेकिन अब की अल्फा यहां से प्रारंभ होगा, ठीक है, कहां से, 13 से प्रारंभ होगा। तो हम y का मान लिख रहे होंगे कितना, 13 गुणा ये 3 अल्फा, इस प्रकार से बनाएगा और ऐसे हम चलेंगे। तो क्या लिख रहे होंगे, 13 गुणा 3, यहां हमेशा ऋण ही आना है, और यहां हम लिख रहे होंगे 2 गुणा 18, ऊपर से नीचे की ओर गुणा करते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 त्रि 39 ऋण 18 दूनी 36 और बटे कितना, 1, ठीक है। ये 9 ऋण 8 1 मिला था, ये एक्स और वाई में हर जो होता है वो हमेशा समान ही मिलता है, तो ये हमें मिल जाएगा बाय बराबर 39 में से 36 गए तो कितना मिला, 3/1, मतलब 3 इसका आंसर होगा। एक्स का मान 2 और वाई का मान 3 दोस्तों इसके क्या होंगे, आंसर होंगे। दोस्तों यहां तक यदि आपने हमारा वीडियो देखा तो प्लीज आप लाइक करें। अभी हम आपको समझा रहे हैं तब आपको इतना टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कर रहे होंगे, तो हमें लगता है आप ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 सेकंड में इस प्रकार के प्रश्नों को बना पा रहे होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और हमने यहां पर लिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 2, इसको देखते हैं कैसे हल करना है। तो वही, इसमें भी वही कह रहे हैं कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, x और y की वैल्यू यहां भी हमें निकालना है, ठीक है। x के नीचे x है, y के नीचे y, बराबर के नीचे बराबर, अंक के नीचे अंक, मतलब ये अपने मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इसे करना है। तो जब हम x का मान निकाल रहा हूं दोस्तों, तो फिर वही x का मान जब आप निकालो तो हमें काय का यूज करना है, r बटे अल्फा का। और जब भी हम x का मान निकालते हैं तो ये x वाला पद हमें क्या कर लेना है, ढक लेना है, और बनाना क्या है, r। तो r यहां से हम बनाएंगे और इस प्रकार से बनेगा। मतलब ये क्वेश्चन जब हम x का मान निकाल रहे हो तो कहां से प्रारंभ होगा, ऋण 3 से, ठीक है। और क्रास में तिरेक गुणा करके लिख लिया करें, मतलब ऋण 3 का गुणा हम कितने में कर रहे होंगे, 22 में। और चूंकि एक हमने ये ऋण वाला क्वेश्चन लिया है अलग से, ताकि आपकी ऋण की समस्या हल हो जाए, और यहां ठीक है, तो ऋण 3 का 22 में गुणा कर लिया, और यहां ऋण लगाना ही है, ये सूत्र में होता है, ये हमेशा लगाना है, ये नियम है, ऐसा आप मान के चले। तो ऋण 3 का 22 में गुणा करके हमने लिख लिया, और ये ऋण आपको लगाना ही है। इस 5 का देखो, आर इस प्रकार से गए और फिर ऐसे गए, मतलब 5 का 2 में या 2 का 5 में, कुछ भी, ठीक है, ऊपर से ही नीचे लिखा करें, तो 5 गुणा 2 या 2 गुणा 5, ठीक है दोस्तों। और जब हम यहां नीचे का मान लिख रहे होंगे तो r बटे क्या बनाना है आपको, अल्फा बनाना है। तो जब आप यहां अल्फा बनाएंगे तो फिर से यहीं से शुरू करना है, इस प्रकार का अल्फा आपको बना लेना है, ठीक है। तो सीधी सी बात, जब x का मान लिखते हो तो यहां फर्स्ट डाल दिया करें, तो यहीं इस तरफ चलना और यहीं इस तरफ चलना, ठीक है। तो क्या करेंगे हम देखते हैं, तो ऋण 3 का कहां गुणा करेंगे, 5 में, मतलब हम लिख रहे होंगे ऋण 3 गुणा 5 ऋण, और यदि इसका इसमें कर लिया तो इस 2 का 2 में करेंगे, ये ऋण सूत्र में लगना ही है, 2 गुणा 2 यहां पर हम लिखेंगे। तो ये कितना मिल जाएगा, 22 का ऋण 3 में गुणा होगा तो ये मिलेगा हमें ऋण 66, ऋण 5 का 2 में होगा तो 5 दूनी 10, और बटे में यहां मिलेगा ऋण 15, ऋण 2 दूनी 4। जब हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो ऋण 66 और ऋण 10 समान चिन्ह जुड़ते हैं, ये कितने हो गए, 76 हो गए, समान चिन्ह जुड़ते हैं, लेकिन जुड़ने के बाद उसी अंक के उसी चिन्ह के रहते हैं जिसके जोड़े गए हों, ये जोड़ना का नहीं है, मतलब 76 हो गए, और ये यहां भी समान चिन्ह है ऋण ऋण, तो 15 और 4 19, ये काय के हो गए, ऋण के 19 हो गए, 19 चौको 76, 4 बार कट गए, इसका मतलब हमें x का मान कितना मिल गया दोस्तों, 4 मिल गया। यदि x का बस मान पूछा होता तो ये हमारा आंसर आ गया होता, फिर हमें इसको आगे हल नहीं करना था, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। फिर दोस्तों जब हम यहां y का मान निकाल रहे होंगे तो फिर आपको, जैसे यहां हमने क्या किया था, यहां किया था r बटे अल्फा, जब आप यहां y का मान निकाल रहे होगे दोस्तों तो यहां अल्फा बटे अल्फा के फॉर्मेट में हमें लिख लेना है। नीचे क्या लिखना है, नीचे तो वही लिखना है जो x के मान में नीचे मिलता है, x के मान में नीचे कितना मिला था, तो x के मान में दोस्तों हमें नीचे मिला था ऋण 19, तो ये हमें ज्यों का त्यों लिख लेना है। और जब हम y का मान निकाल रहे होंगे तो हमने आपको शुरू में बताया था, जब भी आप y का मान निकालें तो y वाले पद को ढक लें, ठीक है। और अब आप क्या बनाओगे, अल्फा बनाओगे, तो कहां से प्रारंभ करोगे, अल्फा जब भी आप बनाओगे तो दोस्तों कहां से प्रारंभ करोगे, 5 से, ठीक है। इस प्रकार से आपको अल्फा बनाना है, तो 5 का 5 में गुणा, y का मान निकाल रहे तो y को ढक लो, यहां ऊपर लिखोगे 5 गुणा 5 ऋण, इस 2 का कहां करोगे, 2 का करोगे कहां, 22 में, तो ऋण 2 गुणा 22, इस प्रकार से जब हम हल कर रहे होंगे तो 25 ऋण 22 दूनी
44 और बटे यहां पर कितना लिख रहे होंगे हम, ऋण के 19। ठीक है दोस्तों, असमान चिन्ह घटते हैं, जब 44 में से 25 हम घटाएंगे तो यहां बचेगा ऋण 19 और बटे ऋण 19 है, ये कैंसिल आउट हो गए, ऋण कट गए, कितना आ गया 1 आ गया। तो y का मान हमें कितना मिल गया यहां पर 1 और x कितना मिल गया था 4। तो ये हमारे आंसर होंगे दोस्तों। एक और क्वेश्चन हमने आपको करने के लिए दिया है, ये क्वेश्चन है तीसरा, 5x + 2y = 22 और 2x + 3y = 1, इनमें आप क्रमशः एक्स और वाई के मान निकालें, ये हमने चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। इसको आप कमेंट बॉक्स में ABCD के फॉर्मेट में लिख करके बताएं दोस्तों, वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी हेल्प करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।